आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन देके रखा है मैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट डायगोनल। हमें डायगोनल निकालनी है और हमें देख रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्यूब। तुम क्या करते, क्यूब की साइड को कुछ मान लेते हैं, तो लिख दे लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए मान लिया हमने, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या देख रखा है, ये देख रखा है 512। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, और साइड हमने क्या माना इधर ए, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ये किसके बराबर है 512। ए की वैल्यू यहाँ से क्यू क्या निकलेगी, 512 का क्यूब हो गया, तो 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, तो ए क्या आ गया हमारा 8, जो कि क्या है हमारा इधर साइड। अभी हम क्या करेंगे, इधर पे डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यू ये होता है ए रूट थ्री। ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है साइड, साइड रूट थ्री, तो साइड क्या दे रखा है 8 एंड रूट थ्री, तो हमारा जो डायगोनल है वो निकल के आ गया 8 रूट थ्री। चेक करें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और यूनिट और लगा रहे थे, यूनिट है सेंटीमीटर्स का, और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में 8 रूट 2 है इसलिए भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में क्या 8 रूट 3 सेंटीमीटर, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।